नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जा रही। बेटा सुन। हाँ? ऐसा करना ना, ये अचार का डब्बा बनिया की दुकान में देके आना। ठीक है। ठीक है? और आते टाइम बाबा की दवाइयाँ भी ले आना। हाँ। ठीक है? नमस्ते चाचा जी, ये लीजिए मेरा वाला चॉकलेट दो। हाँ? वो वाला। एक मिनट, वो नीचे वाला। हाँ देता हूँ, ये ले तेरा वाला चॉकलेट। थैंक यू, आती हूँ। राम राम भैया जी। राम राम जी। राम राम भैया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो टोपी वाला माल आया कि नहीं? हाँ भैया जी आ गया। जी आ गया ना। और
गौरी हाँ बाबा को चाय के लिए पूछ हाँ हाँ और लत्तू हाँ माँ बेड़ों को चारा डाल दे हाँ बस बस चल चल तुझको तो काम मिल गया लत्तू नहीं ना दीदी काम तो आप करोगी मैं तो नहीं करने वाली अब आपकी छोटी सी प्यारी सी बहन काम करेगी क्या ठाकुर साहब जमीन तो आपको गिरवी रखनी ही पड़ेगी इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है ये तो रखनी ही पड़ेगी गिरवी और कुछ भी नहीं है मेरे पास पापा चाय क्या हुआ तुझे बाबा पे कर्जा ज्यादा है क्या दीदी क्या हुआ वो बाहर कुछ लोग आए हैं ना वो ये ले अंदर रख दे जा फिकर मत कर ले जा नमस्ते जी नमस्ते आपको कुछ दिखाओ मैं इसमें जैकेट नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही यहाँ देखने के लिए क्या है जी जी गांव में मेला लगा है आप गई थी वहाँ पे जी हर साल लगता है वो कल जाऊंगी कल आखिरी दिन है ना जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी चलता आपके साथ जी वो क्या है ना जी कि मैं यहाँ के लिए नया हूँ और रास्ता मुझे नहीं मालूम है जी वो ठीक है फिर कल 3:30 to 4 के बीच में मैं दुकान के पास पहुँच जाऊँगा आपके लिए सही समय होगा ना मेरा मतलब है आप नौकरी करती हैं तो चलता हूँ जी तो ठीक है कल 3:30 to 4 के बीच पहुँच जाऊँगा कब कब लगता है ये मेला हर साल लगता है ये मेला कितने दिनों तक चलता है ये 10 दिन का होता है काफी खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे बहुत ही और मेला तो शानदार है यहाँ हर जगह से लोग आते हैं कल सुबह तुम मुझसे मिलोगी ना जी आप इधर ही रहती हैं नहीं ये पहाड़ है ना इस पहाड़ के पीछे तो आप वहाँ से अपनी दुकान तक पैदल ही आती हैं कमाल है एक घंटा लगता है बस एक घंटा आप कभी मुंबई आई हैं क्या घूमने के लिए नहीं आपको आना चाहिए आप स्मार्ट हैं पढ़ी लिखी हैं अच्छी जगह है घूमने के लायक है वो हाँ नहीं वो माँ बाबा अकेले हैं ना तो उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ माँ बाबा को बोलिए कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ 2-3 दिन में लौट आऊँगी कभी मुझे भी मौका दीजिए सेवा करने का अच्छी जगह है कैसे इन गांव में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी अच्छा है गांव आपका लेकिन शहर की ज़िंदगी आप जानती हैं बिल्कुल अलग होती है आइए कभी अच्छा लगेगा आपको आती
हाय चल आ और ठीक है जी जाओ जी खाना खा लो। हाँ आता हूँ। गौरी गौरी मैं कल सुबह की ट्रेन से मुंबई जा रहा हूँ। कल? हाँ जाना तो है ही। और हाँ मैंने तुमसे कुछ कहा था, सोचना उसके बारे में। अच्छी जिंदगी होगी हमारी। मैं बाबा से क्या कहूंगी, ऐसे कैसे मैं घर से निकल जाऊं? फिर अभी उन्हें मत बताओ। तुम बोलो उनसे कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम उनकी मदद भी कर सकती हो, और वैसे भी मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा आसानी से, फिर तुम घर वालों की मदद भी कर पाओगी। ये आज से 3 दिन के बाद का टिकट है, मुंबई स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सब अच्छा होगा। हाँ बोल गौरी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मुझे बम्बई में नौकरी मिली है। बम्बई? वहाँ पर क्या है? अच्छी तनख्वाह है और नौकरी भी बहुत अच्छी है, घर में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी ना, आपको आपकी जमीन भी नहीं बेचनी पड़ेगी। बाबा अगर नौकरी नहीं अच्छी होगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ बाबा तनख्वाह अच्छी है। पर बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। आप सच में बम्बई जा रही हो क्या? बाबा पे अगर कर्जा नहीं होता ना तो मैं तुम सबको छोड़ के कभी बम्बई नहीं जाती। बाबा पे बहुत ज्यादा कर्ज है क्या दीदी? हाँ रे, इसलिए वो लोग आए थे बाबा से कर्जा मांगने के लिए और हमारी सारी खेती ले जाने के लिए। दीदी हमारा सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ रे,
दीदी वापस कब आओगी? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओए क्या हुआ? जल्दी आओगी ना? जल्दी आऊंगी और फिर हम घूमेंगे। तू आएगी ना वहां पर? क्या अब ऐसा चेहरा मत कर, अच्छा चेहरा कर। चलो मेरी छिपकली। मुंबई स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारी नौकरी भी लगवाऊंगा, अच्छी जिंदगी होगी हमारी। गौरी बेटा अब तेरी गाड़ी का टाइम हो गया, पर एक बात है बेटा, वहां जाकर कोई फिक्र नहीं करनी है। देख तेरा काम बने नहीं बने, मैं हूं ना इधर, जहां तीन लोग खाते हैं वहां चार भी खा लेंगे पुत्र। ये ले ये पैसे हैं, रख ले तेरे काम आएंगे। ना बाबा। ओए रख ले तेरे काम आएंगे, संभाल के रख ले, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। तेरी गाड़ी का टाइम हो गया है, तू निकल। बाबा अपना ख्याल रखना। हाँ तू फिकर मत कर, तू निकल, कोई बात नहीं है ऐसी। ले ख्याल रखना अपना बेटा। हाँ, ख्याल रखना। हाँ बाबा। गौरी आ गई, मैं अभी आता हूं अंदर, रुक जाओ। सामान कहाँ है? ये बस यही सामान? नहीं 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 ये है ना। ला ला ला। नहीं मैं पकड़। अरे ला तो। अच्छी लग रही हो तुम, आ जाओ।
आराम से संभल के आना। सामने आ जाओ, आ जाओ। आओ। चलो अंदर, चलो अंदर। ये है मेरा छोटा सा घर। लाओ इसको, कहाँ लेकर घूमती रहोगी। कैसा लगा मेरा ये घर? अच्छा है। अच्छा है? तुम अकेले रहते हो यहाँ पर? और 10 लोग रहते हैं इसमें। 10? मैं मजाक कर रहा हूँ, बैठो 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 बैठो। ये बताओ, हाँ? कॉफी लोगी? चाय? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। गुड, फिर तुम बैठो और मैं 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है? रोहित, हाँ? वो घर में टेलीग्राम करना चाहिए ना, परेशान हो जाएंगे सब लोग। पहले हाथ मुंह धो लो, रिलैक्स हो लो, हाँ? फिर भेज देंगे, ठीक है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। बस मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है?